हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी की ओर से रिक्रूटमेंट निकाली गई है यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन पे अलग अलग पदों के लिए। गाइस, यहाँ पे एक पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें आईटी वालों को भी मौका मिला है फॉर्म भरने के लिए। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आप सभी को सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए और इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सभी itieducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। वहाँ से आप सभी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और इसका फॉर्म भी फिलअप कर पाएंगे। साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आएंगे, सब्सक्राइबर के बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। गाइस, ये जो डिपार्टमेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट कॉमा फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। गाइस, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी। तो ये जो जॉब रहने वाली है, ये आप सभी का रेगुलर जॉब रहने वाला है। गाइस, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में। तो ये फॉर्म जो है, ये 6 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, वो है 31 मार्च 2023 तक आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन पर अलग अलग यहाँ पर पोस्ट है। तो यहाँ पर जो पोस्ट है मल्टी टास्किंग स्टाफ, इसमें आई टी वालों को मौका मिला है। मैं आप लोगों को नीचे में दिखाऊंगा कौन कौन से ट्रेड वालों को मौका दिया गया है। तो यहाँ पे जान लीजिए, ये मल्टी टास्किंग जो स्टाफ है, यहाँ पे लेवल 1 का सैलरी मिलेगा। पे मैट्रिक्स यहाँ पे देख सकते हैं, 18,000 से 56,900 टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। और एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 27 साल रखा गया है। एज रिलैक्सेशन एज पर जो गवर्नमेंट का नियम है, उनके अनुसार आप सभी को एज में छूट यहाँ पे मिल जाएगा। गाइज, उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँ क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, कौन कौन से ट्रेड वालों को मौका मिला है। तो मैं पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं सीरियल नंबर 15 पे मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस। इसमें देखिए 10वीं वाले को भी मौका मिला है और आईटी वाले को भी मौका मिला है। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि 10th पास रहना चाहिए या यहाँ पे और लगा दिया गया, यानी कि या आप लोग का आईटीआई पास रहना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन ट्रेड, यानी कौन सा ट्रेड में। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन में 3 पोस्ट है, प्लम्बर में 2 पोस्ट है, उसके बाद फायर एंड सेफ्टी में 1 पोस्ट है, पंप ऑपरेटर में 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे गाइज 10वीं और आई टी वाला दोनों को मौका मिला है। तो गाइज, अगर आप लोग इसमें इच्छुक है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को मौका दिया गया है, 10वीं और आई टी वालों को। आई टी वालों में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फायर एंड सेफ्टी, उसके बाद पंप ऑपरेटर, यहाँ पर टोटल इसमें भी 7 पोस्ट है। गाइज, तो ये आप लोग का हो गया। बाद बाकी यहाँ पे इस वाले नोटिफिकेशन में देखिए, यहाँ पे अप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया है कि, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है कि यहाँ पे एक टाइप बताया गया और टोटल चार्ज बताया गया, यानी कि 2 घंटे का जो एग्ज़ाम होगा उनका टोटल यहाँ पे चार्ज जो लगेगा, यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस बोल लीजिए या एग्ज़ाम फी बोल लीजिए, टोटल 1,000 लगेगा। और जिनका 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा उनको 500 रुपया लगेगा। गाइस, और यहाँ पे हम बता, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SC ST PWD एक सर्विसमैन, और यहाँ पे वुमेन को कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है। तो गाइज देखिए, इस वाले नोटिफिकेशन में मैंने ये देखा हूँ कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं किया गया है कि कौन सा पोस्ट के लिए क्या पूछे जाएगा, कितने घंटे का समय मिलेगा। इस नोटिफिकेशन पर कहीं भी चर्चा नहीं है। और ये जो फीस के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि कौन सा पोस्ट के लिए कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, ये भी मेंशन नहीं है। तो ये मुझे नहीं दिखा कहीं पे भी। और ये नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों मतलब लैंग्वेज में यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। तो ये इसमें एक कमी है कि अगर ये सिलेक्शन प्रोसेस बता देते कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ से पोस्टन आएगा और कौन सा पोस्ट के लिए कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, उसके अनुसार यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी का ही पता चल जाएगा। लेकिन ये नोटिफिकेशन में ऐसा चीज़ नहीं है, हो सके मे भी आने वाले समयों में वो वेबसाइट पे मतलब सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के नोटिफिकेशन रिलीज करे, लेकिन अभी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में तो क्लियर नहीं है। जब तक फॉर्म नहीं भरिएगा तब तक पता नहीं चल पाएगा। तो जो कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं इस वाले वैकेंसी में, तो आईटी एजुकेशन वेबसाइट विजिट कर लीजिए, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लीजिए जो कैंडिडेट इच्छुक एलिजिबल है अप्लाई करना चाहते हैं। बाद में कि इसमें कोई भी और विशेष डिटेल नहीं है, यही एक डिटेल है कि एमटीएस का वैकेंसी है। इसमें आईटी वालों को भी मौका मिला है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फायर एंड सेफ्टी और पंप ऑपरेटर वालों को मौका मिला है। तो जो कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं, वो आईटी एजुकेशन वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, वहां से सभी इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।